ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सीख द सुंदर ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम कर रहे हैं 28वें मार्च की ईश्वर वरदान की रिकॉर्डिंग, जहां परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम मुक्त और जीवन मुक्त हो जाएं, लेकिन उसके पहले हम एक ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाएं। हम दोनों चीजें क्या हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ब्राह्मण क्या है, फरिश्ता क्या है, इसका समझते हैं। तो देखें आज परमात्मा कहते क्या है। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता। किस चीज से मुक्त? दुखों से मुक्त देवता। बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भवा। संगम युग, सारी दुनिया के लिए कलयुग चल रहा है, लेकिन जिनको ये ज्ञान है कि दुनिया कहाँ जा रही है, जिनको सारी एक्टिंग की स्क्रिप्ट पता है कि परमात्मा ने जो सारी इस एक्टिंग की रील बनाई है, वो रील कितनी चलने वाली है और कहाँ तक चलेगी। तो परमात्मा ने जो हमारे सीक्रेट्स बताए हैं उसको जो जानती हैं आत्मा, वो ब्राह्मण सोल्स हैं जो फॉलो करती हैं उसके अनुसार जीवन शैली, वो ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। ब्राह्मण मतलब हो गया शरीरधारी हो गए, है ना, लेकिन हम बनना क्या है? फरिश्ता। फरिश्ता मतलब जिसका पैर इस फर्श के ऊपर ना हो। तो फरिश्तों को दिखाते हैं कि वो उड़ते रहते हैं हमेशा, क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का काम कर रहे होते हैं। वो कभी भी ये मेरा वो तेरे में नहीं फंसते हैं, मुझे क्या मिलेगा मैं ये करूंगा तो, उसमें नहीं फंसते हैं वो। उनका फर्श और फर्श की बातों से कोई रिश्ता नहीं होता। उनसे कोई चीज छीन भी लेता है तो वो हाय तौबा नहीं करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुरानी पूरी दुनिया, पुरानी दुनिया में क्या क्या आते हैं? संबंधी आ जाते हैं, चीजें आ जाती हैं, पदार्थ आ जाते हैं, है ना, पुरानी दुनिया के आकर्षण आ जाते हैं, कपड़े वपड़े भी आ जाते हैं, ज्वेलरी वेलरी भी आ जाती है आपकी, आपके घर कितने हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, गाड़ियां कितनी है, सारी चीजें आ जाती हैं। नाम कितना मिला, शान कितना मिला, ये सब चीजें आती हैं। नामाचार कितना हुआ, ये सारी चीजें पुरानी दुनिया में आती हैं। तो पुरानी दुनिया, परमात्मा कहते हैं, पुराने संस्कार, पुरानी देह, ये शरीर से भी इच्छा रखना, ये देह मुझे स्वस्थ रखे, ये देह में रखकर मैं इधर घूमू, ये खाऊं, वो पीऊं, ये करूं, सब कुछ करूं, परमात्मा कहते हैं वो इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं, तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है। सबसे पहले हम क्या होते हैं? मुक्त होते हैं, मुक्ति धाम में जाते हैं, फिर जीवन मुक्ति का, फिर जब हम रिटर्न करते हैं आत्माएं, तो यहाँ पे सत्यु में स्वर्ग होता है, बाकी सारे धर्म की आत्माएं जो लड़ झगड़ करके कहाँ चली जाएंगी? परम धाम चली जाएंगी। तो विश्व युद्ध होता है, विश्व युद्ध के बाद में सारी आत्माएं शरीर छोड़ के ऊपर जाती हैं, मुक्ति में जाती हैं, और फिर कुछ ही आत्माएं रह जाती हैं, फिर वहां से फिर नया चक्र फिर से शुरू होता है। मतलब जो परमात्मा ने जो स्क्रिप्ट लिखी होती है फिर से रिवाइंड होनी शुरू होती है, फिर से चलनी शुरू होती है, फिर से स्वर्ग शुरू हो जाता है इस धरती के ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं, तो उसके बाद में जीवन मुक्त हो जाता है, ऐसा जीवन जहां पे किसी भी दुख से हमें मुक्ति हो, ऐसा जीवन मुक्त जीवन। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। फरिश्ता अर्थात मुक्त, और जो फरिश्ते जैसे होते हैं जिनका इन पुरानी दुनिया से कोई आकर्षण नहीं है, वही मुक्ति में जा पाएंगे आसानी से, और वही ऐसी दुनिया में आ पाएंगे जहां पर उनको पुरानी चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि नई दुनिया में पुराने संस्कार नहीं होंगे। झूठ बोलने के संस्कार, लोभ करने के संस्कार, अहंकार दिखाने के संस्कार, घृणा के संस्कार नहीं होंगे नई दुनिया में। तो ये पुराने संस्कार छूटने हैं, पुरानी दुनिया की इच्छाएं छूटनी है, खान पान की इच्छाएं पुरानी दुनिया की, पुरानी दुनिया के चाल चलन, बोलने के तरीके छूटने पड़ेंगे, गाली करना, बहस करना, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी हमें। तो परमात्मा कहते हैं, जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान, प्रकृति मतलब कि फाइव एलिमेंट्स, मतलब कि पांच तत्व, जल भी, पृथ्वी भी, वायु भी, अग्नि भी, आकाश, सारी चीजें भी उन चीजों से बनी है ना, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? दिल व जान, सिख व प्रेम से आप सबकी सेवा करेंगी, बहुत प्यार से आपकी सेवा करेंगी, आपको किसी चीज की कमी नहीं महसूस करने देंगी। अगर आप परमात्मा के अनुसार बिल्कुल भी फरिश्ते जैसे कोई इच्छा बिना आप आगे बढ़ेंगे, तो क्योंकि परमात्मा भी उसी को देगा जो कि अपने लिए नहीं रखेगा, ये मेरा हो गया मैं किसी को ना बांटूं, तो परमात्मा उनको क्या देंगे? तो सुख शांति बांटने से ही बढ़ती है, प्रेम आनंद बांटने से ही बढ़ता है। तो आज का ये ईश्वर वरदान, अगर आपको ये सारे सीक्रेट्स पता करने हैं कि ये किस तरीके से, ये विजडम कौन सी कहाँ से आ रही है, तो आपको 7 दिन का ईश्वरीय वरदान और कोर्स के तौर पर करना जरूरी है, वो एक वरदान हो जाएगा आपके लिए अगर आप 7 दिन का कोर्स करेंगे। तो आज के ईश्वरीय वरदान, इसके साथ ओम शांति।